गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल कनिका एस्थेटिक्स। और आज बहुत दिनों के बाद मैं शूट करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कुछ थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी वैसे भी विंटर्स हैं तो इसमें तो और ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है, तो मेरा वेट उस वजह से भी काफ़ी बढ़ गया है। और आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करूं, और उसी के लिए मैं कुछ दिनों से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शूट किया जाए। तो अभी मैं बस जस्ट उठी हूं और मेरे जो भी मॉर्निंग का जो भी रूटीन था वो अभी मैंने कंप्लीट किया है। मैंने ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ मैं, एंड अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह उठते ही मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लूक वार्म वाटर लिया था, एंड अब मैं कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं जो सोच रही हूँ, कि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पोहा। तो एक तो विंटर्स हैं तो गरम गरम पोहा विद गरम गरम चाय पीने में मज़ा आ जाएगा। वैसे काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बताया कि मैं बहुत बड़ी कोई चाय लवर नहीं हूँ, बट विंटर्स में क्या होता है ना, कभी कभी या दो तीन दिन में एक बार तो मैं चाय पी ही लेती हूँ, और पोहे के साथ चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं बनाऊँगी अदरक वाली चाय और गरम गरम पोहा खाएंगे नाश्ते में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं किचन की तरफ और प्रिपेयर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ये ऑलिव ऑयल है, और इसमें जो पीनट्स है ना वो रोस्ट कर लूँगी, बिकॉज पोहे में ना पीनट का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है, उसका क्रंच। तो मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, और ये थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही रोस्ट हो गई है, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। इसमें इतना ऑयल है, मैं और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लूँगी, और इसी में मैं थोड़ा ज़्यादा सा जो मस्टर्ड सीड्स होती है वो डाल दूँगी। ऐसे क्रंच करूँगी थोड़ी सी और इसके बाद में इसमें मैं डालूंगी अनियंस। अनियंस के बाद मैं इसमें पोटैटो भी डाल दूंगी, बिकॉज जो आलू होता है उसे पकने में टाइम लगता है, तो पोटैटोज और जो मेरी करी लीव्स हैं वो भी मैं डाल दूंगी, और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही भून लूंगी। जब ये पक जाएगा उसके बाद जो भी मेरी रेड एंड येलो जो बेल पेपर्स हैं वो मैं डाल दूंगी एंड टोमेटोज डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पोहा बनने में, इट्स वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी एंड काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होती है। और इसी के साथ साथ मैं साइड में चाय भी बना लेती हूँ, और हाँ बस और कुछ नहीं है, बस यही है। बाकी जितने भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल ही पोहा बनाती हूँ, इसमें बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। मैंने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज इसमें डाली है, तो मैं रेड जो पाउडर है रेड चिली पाउडर वो यूज़ नहीं करती हूँ वैसे भी ज़्यादा। तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और हल्दी डालूंगी, और उसके बाद देखती हूँ अगर लेमन पड़ा होगा तो लेमन भी डालूंगी, नहीं तो ऐसे ही खा लेंगे। पेपर, इसका जो स्वीट सा टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा आता है पोहे में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े टोमेटोज हैं, वैसे मैंने एक ही टोमेटो लिया है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा ना चिपका चिपका बनता है अगर ज़्यादा टोमेटो ऐड कर दो। उसको थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा और, ये बाय द वे रॉक सॉल्ट है, और थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी। थोड़ा सा धनिया, दैट्स इट। अब मैं इसे चला के मिक्स करके अच्छे से, और मैं ना इसे कवर कर दूंगी। और एक चीज़ और है, वो है बॉइल्ड मटर, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तक इसको ऐसे ही रहने देंगे, और फिर इसके अंदर जो अपना जो पोहा है जो मैंने सोक किया था, वॉश किया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और ऊपर से पीनट्स डाल दूंगी, एंड दैट्स इट। बट मीनवाइल मैं फटाफट से अपनी जो टी है वो भी प्रिपेयर कर लेती।
ओके गाइस, तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ। काफ़ी गरम गरम है, तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आगे जैसे जैसे जो जो मैं खाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। फिलहाल पहले मैं इंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। बाय द वे, मैंने चाय में शुगर नहीं डाला है, मैं आजकल शुगर अवॉइड कर रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि मेरा आज ऑफिस भी है, तो अभी थोड़ा बहुत मैंने ऑफिस का जो काम है वो निपटाया है और अब मैं जाके थोड़ा सा फ्री होके बैठी हूँ। और मेरे बालों को क्या हो रहा है, ठीक है छोड़ो। अभी मैं थोड़ी देर में नहा धो के और जाऊँगी, थोड़ी देर पार्क जाऊँगी विटामिन डी लेने। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना विंटर्स में ना धूप सेकना बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो मेरी जो बैल्कनी है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप आती है, बट थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा, बिकॉज सुबह तो उठ के भाई जाना पार्क इज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं अभी नहा धो के आराम से थोड़ी देर के लिए पार्क जाऊँगी और वहाँ पर थोड़ी देर धूप सेकूँगी, वॉक वगैरह करूँगी और फिर मैं आके आपको दिखाऊँगी कि मैं मिड ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ। आई एम बैक। तो अभी मैं अपनी वॉक कंप्लीट करके पार्क से आई हूँ और अब मैं लूँगी अपना मिड मॉर्निंग। तो मैं मिड मॉर्निंग में क्या लेती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। गाइज, मिड मॉर्निंग में आई एम टेकिंग दिस लवल ग्रीन टी विच इज़ 10 times मोर पावरफुल देन नॉर्मल ग्रीन टी जो हम बैग वाली लेते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा ये इफेक्ट। कम्स विद दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स मोर कन्वीनियंट टू कैरी अराउंड। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है गाइज, इट इज़ रिच विद एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड प्रोवाइड अदर हेल्थ बेनिफिट्स। सो इट प्रोवाइड्स ग्लोइंग स्किन एंड इट हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड ओरल हेल्थ। तो मैं आपको इसका मेकिंग प्रोसेस दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्विक एंड ईजी है। And guys, trust me, it is the tastiest green tea I have ever had. And guys, इसकी ये जो bottle है इसमें total 20 tablets आती हैं which is completely sugar free और इसका जो flavor है वो है green apple। अगर आप इसको try करते हो तो अपने feedback ज़रूर मेरे साथ share करना, बताना आपको ये green tea कैसी लगी। मुझे तो ये green tea बहुत अच्छी लगी, काफ़ी convenient लगी और काफ़ी ज़्यादा tasty green tea है ये। तो guys, अब मैं थोड़ा बहुत office का काम करूँगी और उसके बाद जो है मैं अपना लंच प्रिपेयर करूँगी। ऑलमोस्ट 12:30 हो गए हैं, तो अब मैं अपना लंच भी प्रिपेयर करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ। लंच बिल्कुल रेडी है, लंच में है छोले, थोड़े से राइस लिया मैंने और बूंदी का रायता है, तो यही मैं खाने वाली हूँ। और छोले जो है मैंने थोड़े से टेस्ट किए थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने आज और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया था, तो बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। Thank you.
अभी जस्ट मैं उठी हूँ और अभी हमारा प्लान है हम बाहर जाएंगे थोड़ा घूमने इधर उधर ऐसे ही शाम को। और डोरा अभी नीचे गई है वॉक पे, वो भी आने वाली है और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर और मेरी तब तक थोड़ी नींद भी खुल जाएगी, मैं अभी भी नींद में हूँ। विंटर्स में होता है ना ऐसा कि इतना कोजी कोजी सब कुछ होता है कि उठने का मन नहीं करता, बस ऐसा मन करता है बस रजाई में घुसे रहो और कुछ नहीं। तो गाइज बस यही अपडेट है, अभी हम निकलते हैं जाते हैं। हे गाइज आई एम बैक। तो अभी मैं घूम फिर के घर वापस आई हूँ और अब हो गया है डिनर टाइम। तो डिनर मेरा ऐसा सच कुछ ज़्यादा खाने का तो मन नहीं था और वैसे भी मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ डिनर में, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। तो मैं जब अभी बाहर से आई हूँ तो मैं अपने लिए ढोकला लेके आई हूँ, तो आज जो है मैं डिनर में ढोकला खाने वाली हूँ और मुझे ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे बाय द वे। तो मैं ढोकला खाऊँगी और ऐसा सच ये इतना अनहेल्दी भी नहीं होता है, स्टीम्ड होता है, वैसे इसमें थोड़ा शुगर होता है बट ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है। तो यही है अभी की अपडेट। तो अभी मैं पहले अपना ढोकला इंजॉय करती हूँ और ढोकला खा के मैं देखूँगी बिग बॉस, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बिग बॉस फ़ैन हूँ, तो वो मैं इंजॉय करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, वो मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर और आपसे मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।